दर्पण को सुसज्जित करने से बिंब सुंदर नहीं बनता है। महंत हृदयगिरि जी महाराज। दर्पण को सुसज्जित करने से बिंब सुंदर नहीं बनता है। बिंब तभी सुंदर दिखेगा जब स्वयं सुसज्जित होंगे। उक्त प्रेरक उद्गार जगन्नाथ धाम मंदिर में महंत हृदयगिरि महाराज ने मंडलेश्वर के समीप लाडवी पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत नर्मदा तट पर स्थित आश्रम में आयोजित तिलक चादर एवं महंताई विधि के अवसर पर आयोजित धर्म सभा में कहे, आपने कहा कि जब हम संस्कारित हो जाएंगे तो हमारे आने वाली पीढ़ी भी स्वयं संस्कारित हो जाएगी। सनातन धर्म की सभ्यता और संस्कृति का संरक्षण युगों युगों से संत समाज करता आ रहा है। आज मंडलेश्वर के समीप इस आश्रम में स्वामी अव्यक्तानंद पुरी को तिलक लगाकर चादर ओढ़ाई गई है। यह मात्र सम्मान नहीं है, अब महंत अव्यक्तानंद जी के ऊपर सनातन धर्म और संस्कृति के रक्षण का दायित्व आ गया है। लाडवी गौशाला के पीछे स्थित नर्मदा घाट पर बने आश्रम के संत स्वामी अव्यक्तानंद पुरी जी का तिलक चादर एवं महंताई विधि समारोह साध्वी महंत श्री जगतगिरि गुरुमा एवं महंत हृदयगिरि महाराज के सानिध्य में संपन्न हुआ। इस अवसर पर दूर दूर से पधारे आश्रमों के संतों ने नए महंत को चादरें ओढ़ाकर तिलक लगाकर उन्हें संत समाज में शामिल किया। नगर परिषद मंडलेश्वर के अध्यक्ष विश्वदीप मोयदे, महेश्वर नगर परिषद अध्यक्ष प्रतिनिधि गजराज यादव ने भी स्वामी जी का पुष्पमाला पहनाकर स्वागत किया। निर्मल पंचायती अखाड़ा प्रयागराज के संत देवेंद्र सिंह शास्त्री एवं महंत ज्ञान सिंह निर्वाण, संत मुनि जी ललितपुर बागपत दिल्ली के महामंडलेश्वर भैयादास महाराज, इंदौर के महंत दिवाकर दास देवास के उदासीन आश्रम के महंत लवचंद दास खरगोन के महंत अरुण गिरि महाराज, उदासीन अखाड़ा ठीकरी के महंत किशन दास शनिधाम आश्रम मनावर के संत कैलाश भारती, राम मंदिर खलगाट के संत बालक दास महाराज व किशन दास महाराज ने स्वामी जी को चादर ओढ़ाकर तिलक किया। इस अवसर पर संतों ने आशीर्वचन दिए। कन्या भोज और संत भोज के बाद भक्तों ने भंडारे में प्रसादी ग्रहण की। जगन्नाथ संन्यास आश्रम की सेवादार बालिकाओं व नवलपुरा की बालिकाओं ने भंडारे में सेवा प्रदान की। डिजियाना न्यूज डिमार्ट रिपोर्ट मंडलेश्वर। डिमार्ट की पल पल की खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारा चैनल डिजियाना न्यूज डिमार्ट को सब्सक्राइब जरूर करें।